today we are going to read subject Hindi standard 4 lesson number 2 part 2. Last lecture में हमने part 1 खत्म कर लिया था, जो lesson 1 था हमारा वो पूरा हो गया है students, और अब हम lesson 2 lesson 2 part 2 बढ़ते कदम अब ये हम आज करेंगे. आप ये देख सकते हैं इसमें लिखा गया है एक नंबर, निम्नलिखित हिंदी वर्ण अंग्रेजी में लिखिए. तो जो वर्ण लिखे जैसे क, तो हम क लिखा हुआ है ठीक है हिंदी में. अब हमें लिखना है इंग्लिश में के ए, उसके नीचे दिया गया है जो है वो है ख, और ख के लिए हम क्या लिखते हैं के एच ए. ये हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड 3 में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं ठीक है, और स्टैंडर्ड 4 में जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें भी हमने ये पूरा ले लिया है. तो यहाँ मैंने लिख दिया कंप्लीटेड बिकॉज ये सब आपको आता है, तो इसे आपको अब कंप्लीट कर देना है. जैसे क, तो के ए ख के चे च सी एच ए ज जे ए, इस तरह से आप ये सब लिख दीजिएगा. अब हमारा प्रश्न नंबर 2 आ गया है और उसमें लिखा यह है दिस इज, वह है दैट इज. यहाँ के लिए हम जो यूज करते हैं वो वर्ड होता है दिस इज, और वह के लिए जो यूज करते हैं वो वर्ड होता है दैट इज. ओके, तो यहाँ पे अब है नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह, और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है. नजदीक का व्यक्ति हो तो यह, और दूर का व्यक्ति हो तो वह. पढ़िए और समझिए. तो अब देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं, जो ये लाइन के अंदर लिखा है ये आप अच्छे से लर्न कीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो. यहाँ पे जो डिफाइन किया होता है कि भाई यह के लिए और नजदीक के लिए हम क्या यूज करते हैं, नजदीक के लिए हम यह और दूर के लिए वह, तो बस इस लाइन को आप याद करेंगे तो पूरी एक्सरसाइज आपको पूरा आ जाएगी. ओके, हिंदी में याद करना, इंग्लिश में लर्न करना. पढ़िए और समझिए. यह पतंग है, वह पतंग है, यह पतंग है. यहाँ पे फिंगर का ऐसा साइन दिया है मतलब दूर है वो चीज, तो वह पतंग है. यह पुस्तक है, वह पुस्तक है. यह घोड़ा है, वह घोड़ा है. यह आम है, वह आम है. यह मोटर है, वह मोटर है. आप ये देखिए यहाँ पे सब जगह एक ऐसा फिंगर शाइन दिखाया, फिंगर दिखाया, ये उंगली दिखाई है कि मतलब वो वस्तु हमसे दूर है या वो चीज या वो व्यक्ति हमसे दूर है. जहाँ पे दूरी दिखाई गई है निश्चित वहाँ पे एक शाइन दिया है इस तरह से फिंगर का. तो वहाँ पे हमें जहाँ भी ये शाइन मिले तो हमें वह लिखना है, और जहाँ ऐसे नॉर्मल फोटो पिक्चर बनी है तो वहाँ पे आपको यह यूज करना है. यह बंदर है, वह बंदर है, यह डाकिया है, वह डाकिया है. अब इसका स्वाध्याय आ जाता है, चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह शब्द लिखिए. तो ये पेंसिल है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे एक फिंगर आपको दूर ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो दिखा रहा है वहां पे. यहाँ हमने ऑलरेडी देख लिया है जो हमारे हमने पहले रीड किया था लेसन में कि जहाँ फिंगर साइन करके दूर बताया जाता है तो वहां हम क्या लिखते हैं वह. तो यहाँ मैंने लिख दिया यह पेंसिल है, वह गाय है. यहाँ पे आपको सब लिखना है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पे पूरी लाइन में आएगा यह, और यहाँ पूरी लाइन में आएगा वह. यह मेज है, यह ऐनक, वह ऐनक है, यह डिब्बा है, वह लड़की है, यह फूल है, वह साइकिल है, यह खिड़की है, वह कौवा है, यह कुत्ता है, वह पेड़ है. एक बार मैं फिर से आपको रीड करके बता देती हूँ. यह पेंसिल है, फिर यह मेज है, यह डिब्बा है, यह फूल है, यह खिड़की है, यह कुत्ता है. यह पूरी लाइन में हम लिखेंगे यह. अब हम दूसरी लाइन ले लेते हैं और वो वहाँ पे हम लिखेंगे वह. वह गाय है, वह ऐनक है, वह लड़की है, वह साइकिल है, वह कौवा है, और लास्ट में है वह पेड़ है. तो फर्स्ट हाँ रो में हमने पूरा लिख दिया यह, और सेकेंड रो जो फिंगर पॉइंटिंग वाली है उसमें हमने लिख दिया वह. सेम थिंग हियर, यह कुर्सी है, वह लड़का है. अब हमारा 2 नंबर का प्रश्न आ गया. प्रश्न मींस क्वेश्चंस, आपको मैंने ऑलरेडी
थोड़ा जंबल कर दिया है, आगे पीछे कर दिया है, कई जगह पे आगे फिंगर का पॉइंट दिया है, किसी जगह पे पीछे दिया है, झिझक हो गया यहाँ पे। तो हमें खाली ये चीज का हमें ध्यान रखना है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, कि आपको जहाँ फिंगर पॉइंट हो तो वहाँ पे हमेशा वह लिखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ नहीं है वहाँ पे हम लिखेंगे यह पेड़ है वह बकरी है, यह गिलास है वह बादल है। अब यहाँ पे फिंगर दिख रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वह नल है और यह नदी है, फिर यह पत्र है वह पतंग है, वह हाथी है वह पौधा है। एक बार और फिर से मैं पढ़ लेती हूँ, यह पेड़ है उसके ही सामने है वह बकरी है, फिर नीचे गिलास बना है पेड़ के, तो यह गिलास है, गिलास हिंदी में गिलास बोलते हैं, और वह बादल है, वह नल है, यह नदी है, यह पत्र है, वह पतंग है, वह हाथी है, और लास्ट में आ गया यह पौधा है। दोनों में यह, इन दोनों में वह, यहाँ पे वह, यहाँ यह, यहाँ यह, यहाँ वह, रिवर्स है, ये दोनों फिंगर वाले में वह आ जाएगा और ये दोनों पास में नजदीक है तो यहाँ पे यह आ जाएगा, यहाँ पे फिर से फिंगर है, यहाँ पे वह और यहाँ लास्ट में यह, ठीक है। यह है सिंगुलर, दिस इज, जो हमारा तीसरा नंबर आ गया है वो है यह है, मतलब दिस इज, ये है, दीज आर। अब आ गया हमारा एक वचन और बहुवचन, एक वचन एक जो एक मतलब सिंगुलर और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा सिंगुलर, ओके। तो अब यहाँ पे वापस से एक नोट मिल रही है हमको, नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह, और एक से अधिक वस्तु या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। जो नजदीक में अगर एक ही वस्तु है या प्राणी है तो उसके लिए यह, और एक से अधिक वस्तु या फिर प्राणी हो तो ये, यह और ये, ओके। तो यहां पे आ जाएगा यह, मतलब यहां पे बना है एक एलिफेंट, एक हाथी है, ठीक है, वन एलिफेंट टू एलिफेंट्स, सो यह एक है यहां पे तो यह, और यहां पे दो है तो ये, एक लड़का है यह, तीन लड़के हैं तो ये, मतलब जहां पे सिंगल है वहां पे यह, और जहां प्लूरल है वहां पे ये का उपयोग है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ, यह हाथी है ये हाथी है, यह लड़का है ये लड़के हैं, यह लड़की है ये लड़कियां हैं, यह माला है ये मालाएं हैं, यह पुस्तक है ये पुस्तकें हैं, यह कबूतर है ये कबूतर है। अब इसका स्वाध्याय आ जाता है, अब आप समझ चुके हैं जहां सिंगल है वहां पे यह, और जहां एक से ज्यादा है प्लूरल है वहां पे ये का उपयोग होगा। एक मैंने आपके लिए उदाहरण लिख दिया है, बाकी सब आप लिख दीजिएगा। सेम चीज इधर है, यहाँ पे सेम आपका प्रश्न नंबर दो है, खाली जगह में यह या ये लिखिए, तो ये पूरी लाइन आ जाएगी यह की और ये पूरी लाइन हो जाएगी ये की, क्योंकि यहाँ पे पहली जो फर्स्ट हाफ है उसमें सिंगुलर है और सेकंड हाफ में प्लूरल है, यहाँ एक वचन है और यहाँ बहुवचन है। जैसे दरवाजा एक वचन हो गया, फूल, सड़क, गाय, मेज, मेज मीन्स टेबल, टेबल को हिंदी में मेज कहते हैं, फिर पेंसिल, अब दरवाजा का है दरवाजे, दरवाजे, फिर फूल का फूली होगा, सड़क का सड़के, गाय का गाय, मेज का मेजे, और पेंसिल का पेंसिले। तो जहां पे सिंगुलर है सड़क एक बताई गई है तो वहां हम यह लिखेंगे, फूल यह गाय, यहाँ पे सभी जगह आप यह लिख दीजिएगा, और यहाँ पूरी लाइन में जहाँ पे बहुवचन है वहां आप ये लिखिएगा, ओके। प्रश्न नंबर तीन सेम है, पोस्टर में उचित सब चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो यह चूहा है, जहां पे एक वचन है वहां पे आप यह लिखा है, मतलब सिंगुलर आएगा, तो चूहा में मैंने अंडरलाइन कर दिया है, यहां मैंने लड़के में किया है अंडरलाइन, ये लड़के हैं, फिर ये गमले हैं, ये लिखा है, मतलब आपको जो पूरा वाला वर्ड है वो लेना है, तो यहां गमले, यह
तो यहाँ पे आएगा कॉपी, कॉपी लिखा हिंदी में, फिर ये यह कॉपी है, ये चींटियां हैं। इसी तरह से यहाँ दिया गया है यह नाव है, यह ये बछड़े हैं, यह तितली है। तो जहाँ जहाँ अंडरलाइन करी है मैंने वो आपको स्टूडेंट्स लिख देनी है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में। नाउ यू आर इन फोर्थ स्टैंडर्ड, तो मैं आपको लिख के दूँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है और फिर आप उसको लिखें, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत छोटे हैं। तो मैंने क्या करा, वर्ड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आंसर्स हैं ऑलरेडी लिखे हैं, मैंने खाली अंडरलाइन से लगा के और सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारा चार, वह है सिंगुलर में हो गया दैट इज, और वे है प्लूरल में हो गया दोज आर। यह ये हो गया, तो यहाँ पे वह हो गया और इधर आ गया वे, वह का क्या हो गया वे, मतलब किसी दूर की चीज को सिंगुलर और प्लूरल में अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम वह और वे, ठीक है, दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने आपको सिंपल वर्ड में बता दिया वो यहाँ पे डिफाइन करके बताया गया है। वापस से हमें एक बॉक्स मिल गया है, बॉक्स के अंदर हमारी वन लाइन है, वन सेंटेंस, वो हमें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो उसमें लिखा है पढ़िए और समझिए, यह चूहा है, जहाँ पे सिंगुलर है वहाँ पे वह चूहा है, सॉरी वह चूहा है, और यहाँ पे फोर मिरर, वन टू थ्री फोर, तो वे चूहे हैं, वह ताला है, वे ताले हैं, वह माली है, वे माली है, वह सैनिक है, वे सैनिक है, वह बादल है, वे बादल है, वह तितली है, वे तितलियाँ हैं, वह कुर्सी है, वे कुर्सियाँ हैं। पेज टर्न कीजिए और यहाँ पे आ गया है वह बकरी है, वे बकरियाँ हैं, वह माला है और वे मालाएं हैं। अब देखिए स्क्रीन, अब स्टूडेंट्स इसका हमें एक्सरसाइज मिल गई वह और वे, ठीक है, यह ये और वह वे, एक बार फिर से लिखती हूँ, आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। पहले मैं यह वाला लिख देती हूँ, यह, ठीक है, तो यह के लिए हम क्या करते हैं यूज दिस, और वह के लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स दैट इज, यह के लिए दिस इज, वह के लिए दैट इज। ओके, अब ये और वे, तो यहां पे इसका हो जाएगा दीज, PHESER, दीज आर, PHESER, दीज AREER, और वे का हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग, PHOSE, दोस आर, यह दिस इज, वह दैट इज, ये दिस आर, वे दोस आर। ओके, और इतना तो आप जानते हैं ना, यह के लिए हम लोग दिस, वह के लिए दैट, सिंपल, ये तो आपको आता ही था। तो अब हम थोड़ा सा आगे एक स्टेप पहुंच गए हैं, ये तक पहुंच गए हैं, ये और वे प्लूरल में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान ज्यादा लगाना होगा। यहाँ पे लिखा है समझिए और लिखिए, इसकी स्वाध्याय आ गया, इसका एक्सरसाइज आ गया, ठीक है, और वो वन नंबर पे लिखा है समझिए और लिखिए। तो वह तोता है, वे तोते हैं, तो जहां पे सिंगुलर नहीं जाएगा तो वहां पे आप लिख देंगे वह, और जहां पे प्लूरल होता है तो वहां आप क्या लिखेंगे वे। तो वह तोता है, उसके नीचे वाली लाइन में मैंने लिख दिया है वह घोड़ा है, वे घोड़े हैं, वह तोता है, वे कुत्ते हैं, वह खिलौना है, वे खिलौने हैं, वह बाजा है, वे बाजे हैं, वह बछड़ा है और वे बछड़े हैं। सेम थिंग यहाँ पे है स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाली रो में सिंगुलर है तो हम पूरा वह लिखेंगे और सेकंड में प्लूरल है, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है।
देंगे, पांच और छह, चार तक यहाँ पे है, पांच और छह यहाँ है। अब स्टूडेंट्स प्रश्न वो आ जाता है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरो। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज मिल गई है, वह वे, ठीक है, तो वह का लगेगा यहाँ पे सिंगुलर होगा, तो रंगीन पेंसिल मतलब एक वस्तु है तो वह लग गया, और मेरी किताबें मतलब ज्यादा है, उससे हमने समझ लिया कि मेरी किताबें मतलब एक से ज्यादा है, तो वहां पे लग गया वे। लड़के कहाँ, लड़के, लड़के समझ के आपको पता चल गया कि एक से ज्यादा हो गया, तो वे गुलाब एक, तो यहाँ पे हो गया वह। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, दो मतलब वे, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अब आपको ये इसमें खाली जगह में लिख देना है। सेम चीज प्रश्न तीन में लिखी गई है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपको इसी तरह से जो अंडरलाइन करा है, वह प्याला है, ठीक है, वे मालाएं हैं, वह इमारत छोटी है, वे चार केले हैं, ये खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां बंद है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे वे खिड़कियां बंद है, गलती से मैंने यह बोल दिया, वे खिड़कियां बंद है। एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ, वह प्याला है मतलब सिंगुलर हो गया प्याला, वह बड़का, तो हमने सिंगुलर का यहाँ पे चयन किया, उसको चूज किया, ओके। फिर वे देखा आपने कि वे लिखा है, तो हम माला भी लिखेंगे, मालाएं यूज करेंगे, वो जो वर्ड है उसको लेंगे, तो वे मालाएं सुंदर है, वह इमारत छोटी है, ये चार केले हैं, वे खिड़कियां बंद हैं। यहां तक का आप ये समझ लें स्टूडेंट्स, या आप अपने नोटबुक पे लिखिए ये दो जो मैंने लिखा है। जस्ट अ सेकंड, तो आप ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे लिखा है स्वाध्याय।